भाई अस्सलामुअलैकुम। आज के दिन आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे मैंने अपनी फील्ड का बंदा जो कि बैचलर्स में थे केमिकल इंजीनियरिंग, उन्हें पकड़ा है। अभी आके केमिकल इंजीनियरिंग ही कर रहे हैं, मैंने तो स्विच कर लिया था, लेकिन इनका मास्टर केमिकल में चल रहा है। असद भाई, असद भाई अस्सलामुअलैकुम। अभी तक आपको पता लग गया होगा कराची से। ठीक है, अब आवाज़ आएगी, बोलो सर। बोलो। हेलो, बेबे को फ़ोन नहीं किया। हेलो यार, क्या यार। तो भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर मुनीब राणा पॉडकास्ट। और आज के दिन हम डिस्कस करेंगे केमिकल इंजीनियरिंग पे स्पेसिफिकली, क्योंकि मेरी फील्ड थी, मैंने बैचलर्स में स्टडी किया था ना, से केमिकल इंजीनियरिंग। यहाँ आके मैंने थोड़ा सा स्विच मारा था बैटरी और फ्यूल सेल्स की फील्ड में, एनर्जी साइंस की फील्ड में। तो मुझसे काफ़ी लोग सवाल करते कि आप केमिकल इंजीनियरिंग की ही फील्ड से है, तो हमें गाइड करें आगे केमिकल इंजीनियरिंग का यहाँ पे क्या स्कोप है। तो मुझे लगता था कि मैं उस हिसाब से सही तरह से गाइडेंस नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पे मैं आके स्पेशलाइज नहीं कर रहा था उस फील्ड में। लेकिन यहाँ पे ये बॉय हमें मिल गए हैं जिन्होंने पाकिस्तान से भी केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है, यहाँ आके भी केमिकल इंजीनियरिंग में ही मास्टर्स कर रहे हैं। नाम इनका असद है। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम असद भाई, क्या हाल चाल है सर? दुआएं आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें आज इनवाइट किया। आपके घर आए हो, मैंने कहा इनवाइट किया आपको, सॉरी। अच्छा, अब असद भाई बता दें आपने क्या किया था, लाइक पाकिस्तान से क्या किया है, अब यहाँ पे क्या सीन कर रहे हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे। भाई मैंने कराची से NED यूनिवर्सिटी से 2017 में केमिकल इंजीनियरिंग की थी। उसके बाद जो था, मैंने मेरा क्योंकि प्लान मास्टर्स का था, तो पहले मैंने थोड़ा सा अपने आप को ऑर्गेनाइज़ किया, जगहें निकाली कहाँ कहाँ मास्टर्स हो सकता है, ये सब करा। उसके बाद अपनी फ़ीस के और उसके फ़ीस के हिसाब से अपने यूनिवर्सिटीज़ को प्रायोरिटाइज़ किया, अप्लाई करना शुरू किया, और उसके साथ साथ मैंने जर्मन लैंग्वेज सीखी एक साल तकरीबन। और फिर माशाल्लाह से मेरा 2018 में उल यूनिवर्सिटी में मास्टर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग में मेरा एडमिशन हो गया था, फिर मैं इधर आ गया हूँ। अभी तक मुझे यहाँ पे मेरा तीसरा सेमेस्टर चल रहा है, और अभी तक का तो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, लाइफस्टाइल, सब कुछ। आपसे एक्सपीरियंस अभी डिटेल में पूछते हैं, पहले ये बताएं कि जर्मनी का ही रुझान कैसे हुआ, क्योंकि केमिकल इंजीनियर जितने मेरे भी दोस्त थे वो ज़्यादातर वो स्पेशलाइज करने जाते कनाडा जैसे कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में, US कह लें, क्योंकि वहाँ पे फील्ड इन डिमांड भी समझी जाती है, ठीक है, काफ़ी स्कोप है। जर्मनी जैसे कंट्री में मोस्टली पाकिस्तान से लोग जो कि हमारी फील्ड्स हैं केमिकल में, हमें पता है कि हमने इंडस्ट्री में जाना होता है, वहाँ जाके हमने हर किसी से बात करनी होती है, राइट। तो हमें जो हमारी लैंग्वेज स्किल्स हैं वो बहुत मैटर करते हैं वहाँ पर। और जब आप होते हो अक्सर बैचलर्स में, ठीक है, आप इतना प्री प्लान नहीं करते चीज़ों को, बहुत कम लोग देखें, इनसे मैं मिला था, इन्होंने हर चीज़ प्री प्लान की हुई थी कि मैं वहाँ से जर्मन सीख के एक टारगेट सेट किया था, जर्मनी ही जाना है। लेकिन अक्सर लोग जो टारगेट सेट नहीं करते, उन्हें आइडिया नहीं होता कि यार क्या सीन है, हमने जर्मन कितनी सीखनी है अगर यहाँ आने से पहले, और यहाँ पे अगर हम आ गए हैं तो हमारी फील्ड का स्कोप क्या होगा। आप वहाँ पे जर्मन तो सीख रहे थे, लेकिन आपने आइडिया कैसे आया, मैं इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको ये कैसे आया कि मैंने जर्मनी ही जाना। देखें, मैं इसका थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड देता हूँ। मैं फाइनल ईयर में उस वक्त दाखिल हुआ था, तो मेरा एक प्रोफेसर थे, वो जो थे उनका इत्तेफाक हुआ था ओल्ड यूनिवर्सिटी आने का, और उन्होंने अपना यहाँ पे एक पेपर, दो पेपर्स प्रेजेंट किए थे इन लिथियम आयन बैटरी सिस्टम्स पे। अच्छा, तो उससे जो हुआ मुझे थोड़ा सा, मेरे लिए हुआ कि यार जर्मनी में भी एक ऑप्शन देखा जाए मास्टर्स के लिए। फिर मेरे एक दोस्त थे जो मेरे मोहल्ले में रहते थे, मुदस्सर भाई, वो जो थे जर्मनी आए थे अपना मास्टर्स करने के लिए, और माशाल्लाह अब तो वो PhD कर रहे हैं जर्मनी से। नहीं, अब वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए थे, ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए थे, बट उन्होंने अपने मास्टर्स यहाँ पे किया, उन्होंने जॉब की यहाँ पे सीमेंस में। तो माशाल्लाह उससे, तो इससे ना मेरा जो हुआ रेफरेंस बना, मैंने इन लोगों से पता किया, फिर मुझे लोगों का पता चला, उनकी मैंने डिफ़िकल्टीज़ पूछी क्या होती हैं यहाँ पे, कैसे होता है, मैं लैंग्वेज सीखूँ कि नहीं सीखूँ, मतलब सीखूँ कहाँ से सीखूँ, ये सब कुछ। तो इससे मेरी बहुत गाइडेंस हुई, मेरे लिए हेल्प हुई। बाकी ये थे कि ऑलवेज मेरे घर वाले मेरे साथ ही खड़े हुए थे हर वक्त, तो मोटिवेशन होता था घर से कि जाओ पढ़ो, एक दफ़ा में पढ़ लो सारा, क्योंकि बाद में नहीं हिम्मत होती, टाइम नहीं होता, अलग मसले होते हैं। तो ये था कि प्लान था कि जैसे ही ग्रेजुएट होना है वैसे ही मास्टर्स के लिए जाना है। अच्छा, बीच में आपने एक सवाल, एक बात कही थी कि आप जर्मनी में जो है वो क्यों आते हैं। बिल्कुल ठीक कहा कि जर्मनी में केमिकल इंजीनियरिंग की कोई स्पेशलाइजेशन इतनी बड़ी नहीं थी फॉर, और ये मैं कहूँगा दिस वॉज फॉर द पास्ट 10-20 ईयर्स, बट अब जो है वो देयर द टाइड्स आर चेंजिंग। वो इसलिए क्योंकि US में एजुकेशन और कैनेडा में एजुकेशन या ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन वो बहुत बहुत अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है,
बट ये दे कम एट अ कॉस्ट, और वो कॉस्ट जो है वो हर आदमी नहीं दे सकता. जैसे हम लोग जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं वो बिल्कुल नहीं दे सकते. मतलब मैं नहीं कह सकता कि मैं साल के 50 लाख रुपए एक सेमेस्टर के या दो सेमेस्टर के मैं नहीं अफोर्ड कर सकता. वो भी मास्टर्स के लिए, वो भी मास्टर्स के लिए जो कि 2 साल का प्रोग्राम होता है. और उसमें ये तो वो फीस, ये तो वो इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको बहुत बाद में रिटर्न करती है. वो इन्वेस्टमेंट भी होती है जो आप लगा रहे होते हैं अपने ऊपर. जैसे फॉर इंस्टेंस आप यहाँ पर रहते हैं, आप खाने पीने का खर्चा होता है, आपका घूमने फिरने का खर्चा होता है, तो उसके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं. तो जर्मनी एक तो नंबर वन जो रीज़न आया था वो आया था कॉस्ट की वजह से. दूसरा, जब मैंने जब पता करना शुरू किया जर्मनी का, तो मैंने ये देखा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो गिव और टेक US के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है, बट US के कंपैरिजन में. तो इसलिए जो हुआ मैं जर्मनी जो है वो लाइक जर्मनी मैं फेवर किया फॉर माई मास्टर्स. कराची से बिरयानी किंग बोरियां भी पड़ी हो यार, बोरियां भी. चोर कहना चोर, बस बस.